श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। जेल मोड़ के पास, कचहरी चौक के पास, जेपीएससी ऑफिस के जस्ट बगल में ये मेला लगाया गया है। सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं जो रोजगार की तलाश में हैं। हम जो कंपनियाँ यहाँ आई हुई हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ इस मेले में है और कितने पदों पर क्या वैकेंसी है। सर, कौन कौन सी कंपनियाँ हैं आप? हमारे यहाँ आया है, ये कंपनी का नाम है भगवान महावीर मेडिका, और उसके बाद में मारुति सुजुकी, उषा मार्टिन, ये सब आया है। तो सब में अलग अलग पोस्ट पर बहाली है। मेडिका में कितना? मेडिका में है दो पोस्ट है, परचेज एंड स्टोर मैनेजर का, और फिर ओटी टेक्नीशियन है, चार पोस्ट। फिर गेस्ट रिलेशन एक्सक्यूटिव का 11 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन का दो पोस्ट, रेडियोलॉजी दो पोस्ट, और डायलिसिस का दो टेक्नीशियन का दो पोस्ट है। उसी तरह से आगे मारुति सुजुकी में ट्रेनिंग के लिए 200 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक पोस्ट है उषा मार्टिन में, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक पोस्ट है उषा मार्टिन में, फिर सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर एक पोस्ट है उषा मार्टिन में। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीटेक वगैरह मांगा है। और ये मारुति सुजुकी में ट्रेनिंग के लिए क्या? टेंथ पास मांगा है, 50% मार्क्स। क्या सैलरी वगैरह रहेगी? मारुति सुजुकी में सैलरी तो दिया है 13,628 रुपया प्लस बोनस अटेंडेंस के आधार पर 800 रुपया। कब तक रहने वाला ये? ये तो कंपनी बताएगी, हम लोग कंपनी। ये मेला कब तक? आज भर है, 4 बजे तक। हाँ, और भी कंपनियां हैं हमारे साथ। सर, किस कंपनी से हैं, कितनी वैकेंसी? हम लोग कंपनी से नहीं है, हम लोग यहाँ नियोजनालय के स्टाफ हैं। कंपनी के जो एम्प्लॉयर है वो अंदर बैठे हुए हैं। तो वैकेंसीज का कोई मिनिमम डिग्री या कुछ? ये अर्बन डिज़ाइन कंपनी है, इसमें जो पोस्ट हो गया आई मैनेजर, पीपीसी मैनेजर, क्वालिटी इंचार्ज, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोडक्शन राइटर, स्विंग ऑपरेटर, क्वालिटी चेकर्स, ठीक है। इसमें मास्टर डिग्री जो है आई मैनेजर में मास्टर डिग्री खोज रहा है, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल फैशन में, और डाटा एंट्री ऑपरेटर में 12th पास, प्रोडक्शन राइटर में ग्रेजुएट, स्विंग ऑपरेटर में 12th पास, ग्रेजुएट 12th पास, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, इन सभी का है। मतलब इन सबों के लिए मिनिमम डिग्री 12th पास? हाँ, मिनिमम 12th पास है, अबव आपको मास्टर डिग्री तक है। तो कौन सी कंपनी है, कितने पदों पर वैकेंसी है और कब तक? ये तो कंपनी है आपका भगवान मेडिका, भगवान महावीर मेडिका कंपनी है, यहाँ की है। यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल आपका स्टाफ नर्स के लिए है 10 पोस्ट, फ्रंट ऑफिस के लिए 3 पोस्ट, बच्चे जाने स्टोर मैनेजर के लिए 2 पोस्ट है, ओटी टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव के लिए 11 पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है, और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट है। इसमें एज है आपका 19 से 40 साल का है। और स्पेशली जो मेडिका के लिए है सिर्फ, उसमें क्या सैलरी वगैरह? सैलरी वगैरह तो ये लोग कंपनी के जो है वो दी हैं एज पर द हॉस्पिटल स्टैंडर्ड, वो मेंशन किए नहीं। कोई मिनिमम वैसा कुछ नहीं है, वो तो मेडिका के जो आएंगे, हम लोग तो यहाँ के स्टाफ है, हम लोग उधर रिज्यूम सबमिट करना है इंटरव्यू के लिए, वो लोग फेस करेंगे अंदर में। यहाँ से रिज्यूम सिलेक्ट होने के बाद एक इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू प्रोसेस में जाएगा। सर, कौन सी कंपनी है, क्या क्राइटेरिया? आमधन प्राइवेट लिमिटेड है हमारे यहाँ, समझे, उसके लिए हम लोग जमा कर रहे हैं फॉर्म, ठीक है। इसमें जो है पद का जो है वहाँ साइड सट गया है, तो वहाँ से बच्चे लोग यहाँ पर आकर के जमा कर रहे हैं।
अच्छा, कोई वैसे कैटेगरी भी सिलेक्टेड है, जनरल एसटी एससी? ऐसा नहीं है, निजी क्षेत्र में तो हमको लगता है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है इसमें, समझे, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आमदन क्या सर? आमदन प्राइवेट लिमिटेड कोई है, कंपनी है, इसका डिटेल्स कहाँ है? बाद में जो आई हुई है आमदन का, उसका साइड डिटेल्स कहीं पर आया हुआ है, समझे, ये है और कुछ। अच्छा, कैसे बच्चे कैसे कनेक्ट कर सकते? देखिए इसमें जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये निजी कंपनियां हैं, ठीक है ना। निजी कंपनी जो है वो हम लोग यहाँ जो बुलाते हैं, हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ इम्प्लायर और कैंडिडेट को हम लोग मिलाते हैं, जिनके लिए हम लोग ये सब हमारे विभाग के द्वारा ये सब व्यवस्थाएं की जाती है। हम लोग उनको प्लेस और जो भी है उनका जो हम लोग मुहैया कराते हैं। हमारा काम है रिज्यूम ले करके उनको उनके पास इंटरव्यू के लिए भेज देना, बाकी हम लोगों का उसमें कोई व्यक्तिगत कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, एकदम ये बात 100% मानी जाए। और वो इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बाद अगर उनको लगता है कि थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो उनको फिर से एक बार अपने कार्यालय या यहीं पर पुनः एक इंटरव्यू रख लेते हैं। तो वो दो चीज़ करते हैं, पहले वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यू के दरमियान ही वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, और जिसको वो लगता है कि ये हमारे कंपनी में जाने को इच्छुक है, हम भी इनको जॉब देने के लिए इच्छुक हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो बच जाते हैं शॉर्टलिस्टेड, उनके ऊपर भी उनका फोकस रहता है कि इनको भी हम देखा। सुबह से कितने लगभग बच्चे हैं? अभी तक तो हमारे पास तो लगभग आ गए 22 बच्चे आ गए, जिनका 15-14 बच्चे का हमने साक्षात्कार के लिए भेज चुका है उस कंपनी का जो प्रतिनिधि है। बाकी शेष जब वहाँ ख़त्म हो जाएगा तो वे फिर अगला नाम हम उनको भेजेंगे। ये काउंटर स्पेशली ST/ST बच्चों के लिए लगाया गया है, सर क्या है ये पूरा डिटेल्स? मायसेल्फ, मैं डॉक्टर रंजीत कुमार मंडल, सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर ST/ST। ये हमारा इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में 25 जगह है, और अभी ये जो रांची का सेंटर है ये पूरे बिहार और झारखंड का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ST/ST बच्चों को रोजगार परक शिक्षा के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, और ट्रेनिंग के दरमियान जो है उनको 1,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है, और टीचिंग मटेरियल भी दिया जाता है। उसका एज ग्रुप जो है 18 से 27 वर्ष, जो कि स्पेशल कोचिंग वाले बच्चों के लिए है, और 18 से 30 कंप्यूटर ओ लेवल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर ओ लेवल हार्डवेयर के लिए है। और उसके बाद जैसे वैकेंसी आता है SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का, तो जो बच्चा फॉर्म फिलअप करता है उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दिलाते हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम लोग उसको नाम दिए हैं, तो वो लोग हम लोग उसका ट्रेनिंग भी कराते हैं। और स्पेशल कोचिंग स्कीम का जो ट्रेनिंग है हमारे यहाँ, उसमें सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो सिलेबस है SSC, बैंकिंग, रेलवे, तीनों का जो है सिलेबस हम लोगों का जो है स्पेशल कोचिंग के अंदर जो आता है वो कवर कर जाता है, तो बच्चे हमारा वहाँ पास आउट करके जाते हैं। और उसके बाद ओ लेवल सॉफ्टवेयर का कोर्स होता है और ओ लेवल हार्डवेयर का, ये दोनों में 1-1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। उसमें ट्रेनिंग में 1,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड भी देते हैं, और प्लस टीचिंग मटेरियल देते हैं, और जो है इसमें कोई फी नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद बच्चे हम लोग प्लेसमेंट का भी व्यवस्था रखे हैं, कंपनी को बुला करके या फिर उसको प्लेसमेंट देते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में अधिकांश बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं, जैसे कि बच्चा PT में पास किया, मेंस में छट जाता है, तो उसको जो है कॉन्फिडेंस को हम लोग बिल्डअप करने के लिए बाहर से एक्सपर्ट बुला करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम अरेंज करते हैं। कैरियर टॉक हम लोग अरेंज करते हैं, बाहर से एक्सपर्ट बुला करके ST/ST बच्चों को हम लोग कैरियर टॉक करा करके बच्चा को क्या करना है अपने करियर के बारे में हम लोग उसको बताते रहते हैं। उसके बाद PRT हम लोग कराते हैं, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, जो कि हम लोग समय समय पर जो है बाहर से एक्सपर्ट बुला करके हम अपने यहाँ, जो कि हमारा ITI कैंपस में ऑफिस है, वहाँ हम लोग इसको जो है बराबर कराते रहते हैं। ये मेला तो आज खत्म हो जाएगा, यहाँ पे फिर कनेक्ट करने के लिए कैसे? यहाँ पे अभी 14 तारीख को होगा, पेपर में ऑलरेडी दे दिया गया है, 14 जुलाई को भी फिर होगा, और हमारी टीम भी वहाँ पे यहाँ पे आएगी, और हम लोग भी जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं अपने यहाँ, जो हम ITI कैंपस में हम लोगों का ऑफिस है, हम लोग वहाँ भी जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए हैं, कराते रहते हैं बराबर ST/ST बच्चों के लिए। ये काउंटर स्पेशली दिव्यांग लोगों के लिए लगाया गया है, सर क्या है? इसमें हम लोग उनको प्रशिक्षण, 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं कौशल विकास में,
तो उसमें हमारे जो 14 से 50 के आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनको हम लोग मूल्यांकन करने के पश्चात अगर वो ट्रेनिंग के इच्छुक होते हैं तो उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के दरमियान उनको 2500 रुपया पर महीने एक साल तक स्टाइपेंड थ्रू DBT डायरेक्ट उनके खाता में जाता है जो कि भारत सरकार प्रदान करती है। प्रशिक्षण के पश्चात हम लोग उनको प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ भी संभव होता है उसके लिए हम लोग मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जॉब के लिए या जॉब मेला वगैरह में भी उनको भेजते हैं लगवाते हैं ये करते हैं। कैसे बच्चा कनेक्ट जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे बच्चे हमारा सेंटर ITI हेहल में कैंपस में स्थित है और वहाँ पे बच्चे किसी मंडे से फ्राइडे सोम से शुक्र वर्किंग आवर में सुबह 10 से शाम 4 बजे के मध्य अपने सारे कागजात इंक्लूडिंग आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ वो आएंगे। वहाँ हम लोग उनको नाम लिखने के बाद मूल्यांकन करते हैं, हमारी मूल्यांकन टीम होती है। मूल्यांकन के पश्चात वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्या रेजिडुअल कैपेसिटी है वो हम लोग उनमें देखते हैं। फिर हम लोग जो ट्रेड है अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ 2 ट्रेड चल रहा है, ऑटोमोबाइल और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 ट्रेड में अभी हम लोग रखते हैं। अभी फ़िलहाल भविष्य में अगले 6 महीने में हम लोग इसको 9 ट्रेड करने जा रहे हैं। अभी उसके लिए हमारे इंस्ट्रक्टर बहाल हो जाएंगे तो हम लोग उसकी डिमांड किए हुए वो आ जाएँ तो हम लोग 9 ट्रेड में बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। ये हमारा भारत सरकार का ये पूरे झारखंड का एकमात्र ऑफिस है दिव्यांगों हेतु प्रशिक्षण केंद्र ITI कैंपस में है। ITI कैंपस में वहाँ अभी हम लोग को राज्य सरकार द्वारा 1 एकड़ ज़मीन भी आवंटित कर दी गई है जहाँ हम लोग अपना भव्य बिल्डिंग जो दिव्यांग फ्रेंडली बिल्डिंग होता है वो और साथ में वहाँ हम लोग उनको ये हॉस्टल भी बनेगा जिसमें कि बच्चे दूर दराज के बच्चों को जैसे परेशानी होती है तो वो निःशुल्क वहाँ पर आवासन, अभी बेल को रहने की सुविधा नहीं है, अभी बच्चे एज ए डे स्कॉलर आ जा सकते हैं। और मैं वहाँ पे RK ठाकुर पुनर्वास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जी। तो आपको इससे दिव्यांगता से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं या जो भी उससे जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसकी जानकारी लेनी हो तो आप ITI कैंपस में RK ठाकुर जी से संपर्क कर सकते हैं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम इनू एवं नगर टोली रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in